नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जेसन रवि और आप देख रहे हैं समरी ऑफ सिनेमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो हिस्ट्री के एक सेंसिटिव चैप्टर को समझने की कोशिश करती है, द साबरमती रिपोर्ट। क्या ये फिल्म आपका टाइम वर्थ है? चलिए पता लगाते हैं। द साबरमती रिपोर्ट एक पॉलिटिकली चार्ज थ्रिलर है जिसमें 2002 के गोधरा कांड का बैकग्राउंड है। डायरेक्टर धीरज सारना ने इस स्टोरी को बहुत ही बैलेंस्ड और थॉटफुल तरीके से पेश किया है। फिल्म का पहला हाफ पूरा बिल्डअप है, दूसरे हाफ में स्टोरी ग्रेजुअली इंटेंस और ग्रिपिंग होती है जो आपको एंड तक जोड़े रखती है। स्टोरी की शुरुआत होती है जर्नलिस्ट अमृता जिल के साथ, जिसे टास्क मिला है गोधरा इंसिडेंट पे एक फॉलो अप रिपोर्ट लिखने का। अमृता का रोल राशि खन्ना ने निभाया है, उनका परफॉर्मेंस नेचुरल लगता है और उनका कैरेक्टर हमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नी पर ले जाता है। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। उसकी जर्नी और भी इंटेंस हो जाती है जब वो विक्रांत मैसी के कैरेक्टर से मिलती है। मैसी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बस कमाल है। वो अपने कैरेक्टर में कुछ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम रियल पर्सन को देख रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। फिल्म के हर फ्रेम में एक इंटेंसिटी है जो स्टोरी के टेंशन को एम्पलीफाई करती है। गोधरा और उसके आसपास की शॉट्स कहानी में रियलिज्म का टच लाते हैं, साथ ही बैकग्राउंड स्कोर भी काफी इम्पैक्टफुल है। ये फिल्म के इमोशंस और सस्पेंस को परफेक्टली एलिवेट करता है बिना ओवरपावरिंग लगते हुए। स्क्रीन प्ले टाइटली बाउंड है और धीरज सारना ने स्टोरी को 2 घंटे के रन टाइम में कॉम्पैक्ट और एंगेजिंग रखा है। कहानी का पेस ठीक है, ना ज्यादा तेज ना अननेसेसरीली स्लो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को हैंडल करने में भी काफी मैच्योरिटी दिखाई गई है जो फिल्म को बायस्ड फील होने से बचाता है। ओवरऑल द साबरमती रिपोर्ट एक एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद है जो रियलिटी के साथ रेजोनेट करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट वॉच है। ये क्या है? काम करने के लिए। ये? काम पे ध्यान देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी रिव्यू द साबरमती रिपोर्ट की। क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल। आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं जेसन रवि, मिलता हूं आपको अगले रिव्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए समरी ऑफ सिनेमा।